हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज बताएंगे कि एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसे हम कैसे ओपन करते हैं। सो सबसे पहले व्हेन यू ओपन योर डेस्कटॉप, सबसे पहले जब आपका अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे तो सबसे पहले यह डेस्कटॉप आएगा। तो फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन योर कंप्यूटर इज योर डेस्कटॉप आफ्टर ओपनिंग द कंप्यूटर। अब इसी में सबसे नीचे दिस इज योर स्टार्ट बटन, ये नीचे जो बार है दिस इज कॉल्ड टास्क बार, ये आपके आइकन्स होते हैं। ठीक है, आपके टास्क बार में राइट साइड में यू हैव योर डेट एंड टाइम, ओके, एंड इसी के लेफ्ट साइड में इज योर स्टार्ट बटन। जब आप इस स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे ये आइकन्स होते हैं और ये आपके पूरी लिस्ट है आपकी जो सॉफ्टवेयर्स है। इसमें आप जाएंगे ऑफिस में, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, यहाँ आप आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। फिर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से। जब आपने क्लिक करा इसके सारे सब मेन्यूज ओपन हुए हैं, यहाँ आप जाएंगे वर्ड 2013। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यह आपका वर्ड ओपन हो गया, और जब आप इसमें वर्क करेंगे तो ये आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप डबल क्लिक करेंगे, सो ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। सो दिस इज योर एरिया वेयर यू विल वर्क, ठीक है, ये वाला एरिया वो है जिसमें आप वर्क करेंगे, और ये जो है कर्सर, ये आपका कर्सर है, तो जो आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो आपके कर्सर से लिखा जाएगा, ओके। फिर सबसे ऊपर जहाँ ये डॉक्यूमेंट वन लिखा है दिस इज योर टाइटल बार, ये आपका टाइटल बार होता है, ठीक है, ये आपका फाइल टैब है, ये आपका होम टैब है। ये फाइल में जब आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप अगर प्रीवियसली आपने कोई सेव करा है आप वो डॉक्यूमेंट ओपन करिए, और जो डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर ये होम है, ये होम का रिबन है, इस होम के रिबन में यू हैव कट कॉपी पेस्ट, फिर आपका फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। एंड ये सबसे नीचे जहां ये लिखा है पेज वन ऑफ वन, दैट इज हम पेज वन में वर्क कर रहे हैं, सो ये आपका है स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बताता है आप कौन से पेज पर हैं, ठीक है। एंड ये आपका डॉक्यूमेंट का व्यू है, ये आपका टाइपिंग व्यू है, ये आपका बुक व्यू है, दिस इज बुक व्यू रीड मोड, एंड दिस इज प्रिंट आउट मोड जिसमें आप अपना एडिटिंग करते हैं, एंड दिस इज योर जूम कंट्रोलर, इससे आप अपने पेज को जूम भी कर सकते हैं और जूम कम भी कर सकते हैं, नेगेटिव्स में वो छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव में वो आपका पेपर साइज बड़ा होगा। एंड दिस इज योर वर्किंग एरिया, और ये आपका रिबन, एंड ये आपका ऊपर जो है दिस इज योर प्रोग्राम कंट्रोल बटन। आई होप आप सबको वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में आ गया एंड हाउ टू ओपन, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।